आज आपको शबीह जुलजना के बारे में बताएंगे, जिसकी पूरा साल खिदमत की जा रही है। सैकड़ों मुलाजम जिन्हें साइस कहा जाता है, उनकी खिदमत पर मामूर होते हैं। ये मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का जुलजना था, उसकी शबीह हम तैयार करते हैं। ये करबला में जब हज़ारों फौज का लश्कर था और इमाम तने तन्हा रह गए थे, उसके बाद सिर्फ इसने वफा दिखाई। सारी फौज यजीदी देख रही थी कि सिर्फ ये इमाम की वो कर रहा था। ये इसी की वफा का सिला है कि आज हम इसकी ये शबीह बरामद करते हैं और इसको हम अपनी जान से भी ज़्यादा अकीदत इससे रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद। मुफ्तियान दीन से कहती है करबला, बिद्दत उसी का जिक्र जो जीना सिखा गया। अरे मुसलमानों, तुमसे तो बाबरी मस्जिद न बच सकी, मेरा हुसैन पूरी शरीयत बचा गया। नाज़िम मरहमुल हराम अकीदत एहतराम से पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। मजालिस मुनक़द की जा रही हैं, जुलूस बरामद हो रही हैं और आज आपको शबीह जुलजना के बारे में बताएंगे, जिसकी पूरा साल खिदमत की जा रही है। सैकड़ों मुलाजम जिन्हें साइस कहा जाता है, उनकी खिदमत पर मामूर होते हैं। क्या खुराक खिलाई जाती है, क्या मन्नतें मांगी जाती हैं, शबीह जुलजना को किस तरह तैयार किया जाता है, हमारे सामने तैयार किया जा रहा है। हम ब्लॉक सईदा में मौजूद हैं, जो लाहौर का एक अहम मरकज़ है। यहाँ पर शबीह जुलजना को तैयार किया जाता है, किस तरह तैयार किया जा रहा है, शबीह जुलजना की क्या हिस्ट्री है, आज आपको बताएंगे। सर मुझे ये बताइएगा, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए, शबीह जो जुलजना है, इसकी ज़रा तारीख के बारे में बताइएगा। ये मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का जुलजना था, उसकी शबीह हम तैयार करते हैं। ये करबला में जब हज़ारों फौज का लश्कर था और इमाम तने तन्हा रह गए थे, उसके बाद सिर्फ इसने वफा दिखाई। सारी फौज यजीदी देख रही थी कि सिर्फ ये इमाम की वो कर रहा था। ये इसी की वफा का सिला है कि आज हम इसकी ये शबीह बरामद करते हैं और इसको हम अपनी जान से भी ज़्यादा अकीदत इससे रखते हैं। बताइएगा, कहा जाता है कि सुनने में आया है कि जो जुलजना था, जो इमाम हसन का गोरा था, उसी की नस्ल ये चलती आ रही है। ये उसकी नस्ल से ही होते हैं, इसलिए कि जितने भी दुनिया में जितने भी घोड़े हैं ना, तो उसमें जो अरबी घोड़ा होता है ना, उसका खून लाजमी होता है। दुनिया में जितने भी घोड़े हैं उसमें अरब से घोड़ा, अरब से घोड़े की तारीख का पुराना एक ताल्लुक़ है। तो जितने भी दुनिया में घोड़े हैं ना, उसमें अरबी खून लाजमी होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हैं कि इसमें भी उस घोड़े का खून लाजमी शामिल होगा। अच्छा, जो इसके मुलाजमीन हैं, जो इसकी सारा साल देखभाल कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, खास नाम है? वो साइस होते हैं, उनके साइस होते हैं, जो पूरा साल इनको इस पर मेहनत करते हैं, इनको संभालते हैं, इनको ट्रेन करते हैं, इनको लोगों से फेमिल करते हैं कि लोगों में जाके इसको पता चले कि मैं किस मकसद के लिए हूँ। इनको पता होता है, ये शबीह जो हम बताते हैं जुलजना, इसको पता होता है कि मैं किस मकसद के लिए हूँ। इसको पूरा उसका पता होता है कि मैं मुझे जुलजना के लिए बनाया गया, इनको पता होता है, ये समझदार जानवर है इस तरह। दूसरा ये मुझे बताइएगा कि क्या खुराक दी जाती है, ख़ास खुराक का भी एक चार्ट हमने सुना है कि जो होता है, और दूसरा रोज़ाना कितनी वाक करवाई जाती है? बस इसकी नॉर्मल खुराक होती है जो घोड़ा खाता है, जो लोगों को पता है जो घोड़ा इस्तेमाल करता है, इसमें जवी बी और एक किलो चने होते हैं, और इसकी 15 से 20 किलोमीटर जो होती है ना, वो वॉक होती है। और जो मन्नतें मांगी जाती हैं देखने वाले नाज़रीन को, क्या क्या मन्नत मुराद यहाँ पे पूरी हो सकती है? भाई ये तो हर एक की अपनी कीदत है, लोग अपनी कीदत से आके मन्नतें मानते हैं और मौला उनकी मन्नतें पूरी करते हैं, तो उनका राज है मौला से। जो लोग इस पे आते हैं मन्नतें वाले, वो हर एक अपना हर किस्म की मन्नत, जो जायज़ मन्नत, जो जायज़ मन्नत मानते हैं वो लोग, और मौला उनकी मुरादें पूरी करता है, वो इस दर से लेकर जाते हैं। अच्छा, कुछ हमने इन्फॉर्मेशन ली थी, हमें सुनने में आया था कि जब यौम अशूर को आप इसको तैयार कर रहे होते हैं, तो बाज़ का जो इसकी आँखों से ना कुदरती तौर पर आंसू जारी हो जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि इसको पता होता है मैं किस मकसद के लिए हूँ, इसको पता है मैं इमाम की सवारी हूँ, और ये हमारे अकीदे में शामिल है कि जब हम इसको बरामद करते हैं, इसको आशूरे की काठी पड़ती है, तो इस पर मौला हुसैन की सवारी आती है बाकायदा, इस पर बाकायदा इस पर काठी है, देखें कसी जाती है, ये इसीलिए काठी कसी गई है ताकि इस पर हमें, हमारा ये अकीदा है कि जब इस पर काठी कसी जाती है, तो इस पर ना मौला हुसैन आके इस पर सवार होते हैं बाकायदा। अच्छा, मौला हुसैन इस पर सवारी करते हैं, तभी तो शबीह है उनकी। अच्छा, तो ये जो इसको आप तैयार कर रहे हैं, ये जो आप, तो इसका ये खास ये तैयार किया जाता है मटेरियल? हाँ जी, ये सारा इसका लिबास स्पेशल है, ये जब से जुलजना की तारीख है तब से हर जगह इसी तरह तैयारी इसकी हो रही है जुलजना की। अगर हम कहना चाहें तो इस टाइम लाहौर में कितने जुलजना मौजूद हैं? इस वक्त काफ़ी जुलजना मौजूद है, मुझे उनकी तादाद कही है, लेकिन काफ़ी जुलजना मौजूद हैं। जितने भी मामबार गए लाहौर में, वो उनके पास सबके पास जुलजना है, और मरकजियत जो है वो जुलजना की, वो निसार हवेली जो मोची दरवाज़ा में निकलता है यौम आशूरा जुलूस, वो उनकी है। अच्छा, हमने सुना है कि जब रश में आप लेकर जाते हैं, इतना रश होता है, तो ये कुदरत तौर पर उसको पता होता है कि मैंने यहाँ पे क्या बिहेव करना है, कि हाँ जी, इनको ट्रेन कर दिया जाता है, और ये मौला का मौजा है कि ये रश में जाते हैं, तो इनको पता होता है कि हमें ज्यारत के लिए निकाला हुआ है,
तो ये इनका बिहेवियर वैसा ही होता है, बिल्कुल सुकून वाला। ये लो इन लो जिस तरह हम अकीदत रखते हैं मौला से, ये भी मौला से। इसके जो इमाम हुसैन है वो जिन्नो इंस के इंसान है, सिर्फ इंसानों के इमाम नहीं है, वो जिन्नो इंस जानवरों पूरी कायनात के इमाम है। तो ये कैसे हो सकता है कि इसको ना पता हो कि मेरे इमाम कौन है। अच्छा, मेरा ये सुनने में आया था कि एक जो जुलजना है वो ख़ास तौर पर सिर्फ 10वें मुहर्रम के लिए रखा जाता है, जो 10 मुहर्रम को जिस टाइम जो टाइम था जब हज़रत इमाम हुसैन जंग के लिए मैदान कारसाज में गए, तो उस टाइम के वो ख़ास है कि ये एक ही है, आप पूरे 10 या मुहर्रम राम में कह दें। राम में कई कई हर जगह जुलजना निकल रहा होता है, हर जगह हर जुलजने की अपनी मरकजियत है, हर जुलजना पर इमाम की सवारी आती है। हर जगह जहाँ जहाँ जुलजना निकलता है वहाँ इमाम आते हैं, हाज़िरी देते हैं, आके अपनी सवारी करते हैं। मरकजियत जो है, जो मरकजी जुलजना है वो आज 8 मुहर्रम उल हराम है। तो आज ये जुलूस के लिए इसको तैयार किया जाए। हाँ जी, ये जुलूस ये हमारा 1947 से यहाँ जुलूस निकलता आ रहा है ब्लॉक सईदान। हाँ जी, शहजाद अली काजमी और हमाद अली काजमी इस जुलूस के लाइसेंस होल्डर हैं, जो ये जुलजना बरामद करवाते हैं, उनके नाम जुलूस है। ये पूरे कृष्ण नगर का चक्कर लगाता है और फिर रात को 9 बजे इसी इमामबारगाह में आके वे दिया होगा। कितनी ये वाक होती है, एक चक्कर होता है पूरा? ये बस पूरा कृष्ण नगर है, आप लगा लेंगे 2-3 किलोमीटर का है इसकी वॉक है, जुलूस की 2-3 किलोमीटर की। मैं शूर पे हज़रत इमाम हुसैन के वाले से क्या पैगाम देंगे? बस ये मुसलमानों को देंगे कि इमाम हुसैन का जो पैगाम है वो अमन का पैगाम है, कि इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी दिया वो पूरी नस्ल इंसानी के लिए दिया, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं दी, उसमें पूरे कायनात के लिए एक पैगाम है। खास तौर पर यह भी पैगाम दे दें, जो इमाम हुसैन है वह अहले तशी के इमाम नहीं है, पूरी उम्मत मुस्लिमा के इमाम है। उम्मत मुस्लिमा के नहीं, पूरी कायनात के इमाम है, चाहे उसमें ईसाई हो, यहूदी हो, सब हो। इमाम जो है वो फिर पूरी कायनात का इमाम होता है। वो हमारा अकीदा है कि वो पूरी कायनात के इमाम है, ना वो किसी शिया के हैं, ना किसी सुन्नी के हैं, ना किसी अहले हदीस के हैं, ना किसी और फिरके के हैं। इमाम है वो सबके इमाम है, सबके इमाम हुसैन है। बस ये है कि हर एक का अपना अपना अंदाज़ है उनसे मोहब्बत करने का। अच्छा, ये जो इसका नाम है शबिया जुलजना, ये खास तौर पे वही नाम है जो इमाम साहब का? जब से इमाम हुसैन का जुलजना चल रहा है तब से इसका शबिया जुलजना नाम वही चल रहा है। आप तो खास नाम भी देती हैं इसके ट्रेनिंग? इसका हर एक जुलजने का अपना नाम भी देते हैं ताकि अपने नाम को पहचाने। इसका अशल बादशाह है नाम, अशल बादशाह। अशल किससे मंसूब किया? ये हजरत इमाम हुसैन से मंसूब है, अशल बादशाह। हाँ जी, वो मौला बास की सवारी है, वो अशल बादशाह जो मौला बास की सवारी है, मौला बास की सवारी है। सही, बहुत शुक्रिया आपका जनाजिन। जुलजना के हवाले से हमने आपको बहुत ही इन्फॉर्मेशन दी। हज़रत इमाम हुसैन की बात की जाए तो हर मसलक के वो इमाम थे। अगर आज हम यहाँ पर सांस ले रहे हैं तो ये हज़रत इमाम हुसैन का सदक़ा है। अगर आज इस्लाम जिंदा है तो हज़रत इमाम हुसैन का सदक़ा है। आज अगर मस्जिद में अजान है तो हज़रत इमाम हुसैन का सदक़ा है। आज यहाँ पर मजालिस मुनक्कद की जा रही है तो हज़रत इमाम हुसैन का सदक़ा है। अहले बैत के सदक़े ही हमारी सांसें चल रही हैं, हम तो उनकी खाक के बराबर भी नहीं हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।